जकड़ लो उसको और तेजी से, चल लगा पूरी ताकत लगा। लगा और जोर से पूरी ताकत। जकड़ लो उसको और तेजी से। जकड़ो उसको और तेजी से। चल रहा पूरी ताकत लगा, क्या लगा जोर से पूरी ताकत। जकड़ लो उसके हाथों को और तेजी, जकड़ो तोड़ देंगे अपन उसके हाथ। जकड़ो तेज से, जकड़ लो उसको और तेजी से। चलो लगा पूरी ताकत तेजी के साथ में। हाँ और जोर से, हाँ शाबाश और जोर से। बता सब कुछ सुने आना थी आवाज की तो लगा पूरी। हाँ जोर से और जोर से। हाँ चल लगा पूरी ताकत तेज एक साथ में। ये नहीं है रिचार्जर, दूसरा है उनका भाव है का। जकड़ लो जकड़ लो जकड़ लो उसको अंदर से तेजी के साथ जकड़ो। जोर से और जोर से, कितनी ताकत है तेरी पूरी लगा क्या। तो परेशान कर रहा था बच्चे को, क्या दुश्मनी थी तेरी उसकी, कहां से लाए थे, शमशान से कब्रिस्तान से। हाँ जोर से, हाँ लगा पूरी ताकत लगा। हाँ कहां से लाए थे, शमशान से कब्रिस्तान से। हाँ जोर से बोल, सारे दुनिया को सुने आना। कहाँ से लाए थे, आगे आ रहे और कौन है तो उसके साथ में बच्चा, ये क्या नाम है, खाला का बेटा। कहाँ से आए तुम लोग, परगी से। इस पहले हाजिर हो उनके अंग पे, जी नहीं पहली बार ही जाए। हाँ मेरे साथ। चलो जकड़ लो उसको और तेजी से। कहाँ से लाए थे तुझे, कहाँ से बोला। अच्छा तू बच्चे को क्या करने वाला था, मार देने वाला था, खत्म करने वाला था। कैसा मारने वाला था, गाया मैं भी। चलो रे दूसरे पेशेंटों को बुलाओ अंदर बेटा, नंबर लगा के जल्दी भेज दे बेटा उधर पीछे से। क्या करने वाला था, गाड़ी में आदमी। जोर से बोल सुने आना सबको, ये बच्चे को। अच्छा क्या तो भी दुश्मनी थी तेरी बच्चे की। अच्छा नहीं, क्या जलन थी, क्या जलन से करे। अच्छा कारोबार कर रहा हूँ। क्या कारोबार करता था ये बच्चा, काम अच्छा कर लेता, पैसा अच्छा कमा जाता था। बोल कहीं करे जी। कैसा करना, आप तुझे काट के भस्म करूं, ऐसा परेशान करता लोगों को। दफन कर रहा। अच्छा इसके जिस्म में तुझे दफन कर दिया लाके। अब मैं तो जमीन में करूँ दफन, बाटल में डाल के। मनमाना चल रहे से ना, हेल्थ ना लायक।
और इसके घर में किस किस को परेशान कर रहा? हाँ जोर से, हाँ जोर से। घर वालों को तालिका डाले थे। हाँ किस किस को डाले, उनके नाम बता मुझे। उनको मारने वाले क्या सब लोगों को? वो तकलीफ देंगे, काम वाले बनना चाहता नहीं करना, रिश्ता तोड़ेंगे। और कौन सा नंबर, वो भेजो बोलना, सब नंबर बुढ़ा फटाफट बुला के, टाइम नहीं होता। सबको एक एक से मारने वाले है क्या? हाँ काम आने करना, पर घर घर पे पैदल कर देना। कौन कौन नामा बोलो लोगों के मुझे, खानदान के लोगों में पूरे चार लोगों में। वो नहीं पूछा मैं तेको, जिसने जादू करा उनका नाम अभी नहीं पूछा मैं तुझे, उनका नाम मैं आगे पूछूंगा, अभी नहीं पूछूंगा। अभी मैं तुझे जो पूछा उसके सवाल के जवाब देकर ज्यादा होशियार कर तो काट दूंगा। हाँ चल, ये बच्चे के घर में इसके फैमिली मेंबरों पे किस किस पे जादू करे उनके नाम बोल। माँ बाप के ऊपर। हाँ माँ बाप को। किस पे? माँ बाप के ऊपर। और बहनों के ऊपर। और दो भाइयों के ऊपर। और किसके ऊपर नहीं। क्या बोल के करे? लेना मार लेना बोल के, लड़कों मार को खत्म होना सब लोग बोल के। और अगले नंबरों को बुला रहे और बिठा अंदर नमला बुला के जाते जल्दी फटक से। इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, मारो इसको बन के ना लायक को। बहनों को क्या बोल के जादू चला इसके? रिश्ते तोड़ जा रहे हैं बोलते, शादी नहीं करने किसी को बहन को। अच्छा विदा कर देना, इलाम शादी नहीं होना, हमारे घर घर अच्छा रहेंगे, फिर चल जाना बोलते। हाँ ये जोर से बोल, सुने आना मुझे, ऊंची आवाज में बोल, ना लायक में जबान खींच दूंगा। बच्चों का क्या लिए थे जादू चलाते वक्त? बाला ले ली। अच्छा कौन औरत ने लग गई थी, आदमी ने लगा था? नाम मत बोल अभी, बाद में पूछूंगा मैं नाम। औरत लग गई, आदमी लग गया? चार औरत। हाँ अच्छा। और क्या बोलते थे, बच्चे का क्या लिख गए थे जादू चलाते वक्त? क्या नाम उसका? शफीक का क्या लिए थे जादू चलाते वक्त? कटिंग छाप के बाला नहीं हजम करने से। शोर से बोल, कटिंग छाप के बाला नहीं हजम करने से। हाँ कहाँ ले जाके डाले बालों पड़ के? बाला नहीं, कब्रस्तान में कपड़े के अंदर लपक को तवे से बना को मुर्गे के सर के नीचे रख दी। मार दो बोले बच्चे को। बच्चे को मार देना, काम नहीं करना, पैसे नहीं कमाना, पागल होकर पुकार लेते सुनना। अच्छा माँ बाप से दूर कर रहा। कैसे मारने वाले? मौका देख के, मौका देख के ढकल देती हूँ। समझी थी वो मौका नहीं हो रहा था, नमाजा पढ़ रहा, कुरान पढ़ रहा, जमात वाले फिरते रहता, मारने की चांस नहीं मिल रही थी। दूर दूर से चार जिंदा तंग लगा तो भी नहीं मार सकते, कुरान पढ़ते रहता जब तक रसूलुल्लाह का दुरूद पढ़ते रहता, उसमें लड़के में दूर रहती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तो मारने की तैयारी में थे उसको, ना लायक हो, खत्म करना चाह रहे अभी भी। तेरे बच्चों को खत्म कर तो कैसे होगा? मेरे बच्चों तक जाना है कि बंदिश करा जाएगी ना, मेरे भाई तोड़ देता ना सारे बंदिशें, मेरे सारे बंदिश हो जाते सर। तेरे मसालों की बंदिश करा दी, फिर बच्चों को सब टूट जाते मेरे सामने, वो सब बड़े आम मिलाएंगे, सब 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 कोई नहीं आ सकते, सारे बड़े आम मिला पानी भरते मेरे सामने। क्या करते समझा ना, नालायक कम वक्त नहीं, बाप का तेरे रात चल रहा था चिरोड़नी की सूरत की, कितने छोड़ी इसके आंग में, कितने शैताना छोड़ी, 1200 शैताना देख ले, बस पकड़ लो सारों को नाला है वो जंजीरा डाल के। खपस्ता में जा सकते तो जा, दूर है खैर को देखा मैंने कहा। यहाँ से पकड़ो, यहाँ से बुलाते ना उनको पकड़ के, जंजीरा डाल के बुला के लेते हैं। बाबा का रात चल रहा है वैसा, किसकी भी परेशान करने कम वक्त सालों। उसके माँ बाप का क्या ले गए थे बच्चे का जादू चलाते वक्त? माँ बाप का कपड़े ले गए थे। कौन से? पुराने कपड़े थे। क्या थे? टार्प और सफेद वाला ले गए थे। शर्ट पॉइंट क्या था? बाप की बनियान ले गई थी, अम्मा का ब्लाउज ले गई। कौन से कलर की बनियान? वाइट कलर में थी, फटी फटी हुई थी। अच्छा ब्लाउज कौन से कलर का था? लाल कलर का ब्लाउज था। हाँ लाल कलर का ब्लाउज था। अच्छा ले जाके कितना वक्त हो रहा? ले जाके क्या हो रहा हूँ, हाँ ले जाके कितना वक्त हो रहा, झकड़ो उसके हाथों को तेज इसे। हाँ कितना वक्त हो रहा ले जाके? 10 साल हो गए। 10 साल से लोगों की जिंदगी खराब कर दी। और ये बच्चे पे कितने साल पहले करी थी? बच्चे पे 15 साल के उनके क्या नाम है? 12 साल उम्र से शुरू करी। शफीक पे कब करी थी? 12 साल की उम्र से करी थी। लेकर ना होगी दिमाग को याद होना, कुरान जान कितनी है पढ़ना है, सारी सुना हुआ। वाह वो अच्छी मन माना चल रहा तुम्हारे।
बच्चियों ने क्या बिगाड़े थे इसके बहनों ने, उसके रिश्ते नहीं होने दे रही तो क्यों वैसे जलन देखो तो समझ में जाता है। माँ बाप को कब मार रहे थी बच्चे के, बोलेंगे खत्म करे माँ बाप का नंबर लगाने सबको मार दी थी, महीनों को कब मार रहे थी महीनों को आप बिता करके मारने वाले। अच्छा कुछ काम नहीं बनने के, काम नहीं बनने के, क्या नहीं करने दे रही, काम बने नहीं थे इसके बनने के पढ़ के रखा नौकरी में कमाने में। दुनिया में बताएंगे तेरे को, कुछ जादू आंटों ने कर रही लोगों के ऊपर, तेरा क्या तेरा नाम भी निकाल के बताएंगे कम वक्त ही दूसरे चक्कर में, अभी नहीं निकालते तेरा नाम दूसरे चक्कर में तेरे को पूरी दुनिया में बताएंगे तो जादू आंटों ने कर रही लोगों के ऊपर जिंदगी बर्बाद कर रही लोगों के कम वक्त ने नाला से जिंदगी बर्बाद कर रही, वो गया खड्डे में। हाँ चलो इसको बंद के लालो, इसको जंजीरा लो, इसको आज रात 12 बजे के बाद से वो जितने भी शैतान है सबको बंद के डालो और सबको जला जला के राख करने की तैयारी कराओ तारे के साथ में, तेज के साथ में बंद के डालो उन सबको। भाग के जाना नहीं उन्हें, सारे जितने भी उसके शैताना है उन सबको बंधो तेजी के साथ में और बन के जलाओ उनको, जलाने की तैयारी करो तारे के साथ में, तेजी के साथ में बंधा लो। आई शबीर, आई शबीर, आई दूसरे चक्कर में लेंगे क्या दास्तान है क्या है कौन डाले थे उसके नाम जितने भी लोग दूसरे चक्कर तक पूछेंगे, पहले चक्कर में आपको पहले चक्कर में भी नहीं बाद में पूछेंगे आगे। और खैर ऐसा गलत बात आए दूसरों का ऐसा गर्म पानी से घर जलेंगे तो खुद का थोड़ी बचने आता सभी जाए माना जी, नमाज इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, इबादत कुरान नमाज कब पढ़ोगे तुम्हारी जाना बच्ची ने तुम पे आने वाले आफत टाल दी अल्लाह। और दूसरी बात कि किसी का बुरा मत चीतो, अगर किसी का तुम बुरा चीते हो तुम्हारा भी फिर बुरा चीतने वाले पैदा होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया आईना है, तुम आईने के अंदर देख के जैसा भी रोल करो अंदर का सामने वाला पलटा के तुम्हारे वैसे रोल करके बता दो, तुम्हारा क्या दुनिया आईना की मिसाल है, आईना मतलब तुम दुनिया के साथ जैसा सलूक करी हो दुनिया के साथ मतलब लोगों को जादू टोने करी हो तुम्हारे अमल तुम्हारे पे करने लगा थे तो भाई तरीके इतनी हरकत मत करो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो और जादूगरों के पास में नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। ये मेरे सारे वीडियो देखकर मैंने दुनिया में कोई एक दास्तान समझा दिया लोगों के जहन में ठूस ठूस कर एक बात बिठा दिया कि शैतान ने कि काला जादू काले जादू से कटता, बड़े बड़े नालायक आलिमा और बड़े बड़े मुफ्तियां भी मेरे सामने आके यही बात करे कि हम काले जादू से काला जादू काटने वाले कोई है क्या काला आदमी, उन्होंने समझा भी एक्सप्लेन करा के बताया कि तुम्हारे को इल्म नहीं है करे दुकान से डिग्रियां खरीद के लाए क्या नालायक हो जो सनाते लाए वाली तो समझो जरा अकल बिठाओ जहन में, काले जादू से कैसा कटिंगा शिर्क है वैसा बोलना है हिसाब से देखा का बारीक से बारीक थेरे में जाओ उसके डिफिनेशन में फिर तुमको पता चलता अल्लाह पे से अकीदा हटा के जादू टोने पे तुम्हारा अकीदा लग रहा जादूगर के पास तो वो शिर्क होता, शिर्क वो नहीं होता दरगाह पे जानना शिर्क है, वो करना शिर्क है, वो ऐसा कर दिए तो शिर्क ही है, खाना बना के खिला दिए तो शिर्क है, फातिहा दे दिए तो शिर्क है, नालायक फातिहा अल्लाह के नाम से होते और हर चीज अल्लाह के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नजदीक सब अमलों में सबसे ज्यादा कौन सा अमल अल्लाह को पसंद है और इबादतों में सबसे ज्यादा अल्लाह को कौन सी इबादत पसंद है, तो आपने फरमाया था इबादतों में सबसे ज्यादा पसंद जो इबादत है अल्लाह को है नमाज और अमलों में अल्लाह को सबसे ज्यादा जो अमल पसंद है तो वो है भूखे को पेट भर के खाना खिलाना। अब तुम 11वीं के नाम पे खाना खिला रहे हो, तुम 10वीं का खिला रहे हो, कौन सा भी खिला रहे हो कौन से भी बहाने से खिला रहे हो, तो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कर रहे तुम और ये शिर्क नहीं होता, शिर्क ये होता जादूगर के पास जाना शिर्क होता,
क्योंकि तुम अल्लाह के कलाम पे से अकीदा हटा रहे, जादूगर के पास जा रहे, वहां अकीदा लग रहा अल्लाह के साथ तुम जादू को शरीक कर दे रहे। वो कुरान को तुम नाउज बिल्लाह मिन ज़ालिक बढ़ोतरी नहीं दे रहे, तुम बोल रहे कि कुरान से कैसे कटिंग मगर काले जादू जल्दी कटिंग बोल के वहां जा रहे, ये शिर्क है। क्योंकि कुरान पे से अकीदा हट के उधर जा रहा इसको बोलेंगे, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल पे से अकीदा हट जा रहा तुम्हारा, जादूगर पे अकीदा जा रहा, जबकि जादूगर की कोई मिसात नहीं है। मैंने बता दिया मेरे सारे वीडियो के अंदर कि जादू क्या है, काला जादू के औकात क्या है अल्लाह कलाम के सामने। समझ गए ना, ये बात जहन से निकाल लेना और इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, क्योंकि जादू टोने की कोई औकात नहीं है। इबादत ज्यादा से ज्यादा करो, और भी बहुत कुछ बोलने की बातें मगर मैं इतना नहीं बोलूंगा, इतना जहन में बिठा तुम, फिर बाद में और कुछ बोलूंगा मैं। चलो ठीक है, रोक दो। कहाँ से आए थे, क्या तकलीफ होती तुम्हारा, क्या होता था कुरान इससे पहले कितने बार हाजिर हुआ हम पे? इससे पहले हाजिर तो दरबार हुआ था, क्या बोला था? कितने बार गिरजा हाजिर हुआ सवाल जो आप कहीं नहीं हुए तो कोई साहब के पास में, कई इलाज वाले के पास में कभी सवाल जवाब हुए क्या जिंदगी में? सवाल जवाब तो नहीं रहे, पहली बार ही चाहे उन्होंने पहली बार में चल रहा क्योंकि सवाल जवाब हो गए। सबके इलाज अलग अलग रहते, अलग अलग तरीके हर तरह क्या बोला क्या नहीं उसके अंदर सब है। कितने बार वगैरह मार रहे थे, क्या दास्तान चल रही थी, नाम पूछा ना तो नाम भी पूछूंगा मैं आगे के चक्कर में। तुम जादू कर टोना लोगों पे करेंगे एक दूसरे पे, तो ये मत सोचो कि तुम बन मुट्ठी में कर देंगे, बिल्ली दूध पी रही आंखें मुझके किसको नहीं दिख रही, मगर मैं सबको दिखा दूंगा बिल्ली कौन सी है कहाँ दूध पी रही आंखें मुझके। समझे ना, तुम एक बार भी ऐसा जादू टोने दूसरों पे नहीं चलाना, चलेंगे फिर भुगतने को भी तैयार रहो। जब वारा पलट के पड़ेंगे तो फिर तुम्हारा कैसा ले जाकर कब्रस्तान में लपट के डालते, फिर तुम्हारे से अमाल तुमको वो भी तुम देखो फिर। ठीक है, चलो।